गाड़ी का इन्होंने तलाशी ली थी, वहाँ से गाड़ी के अंदर से एक 315 बोर्डा इनको पिस्टल मिला है। श्री मुक्तसर साहब पुलिस ने इंटरस्टेट गैंगस्टरों नूं फड़न विच कामयाबी हासिल की है। पुलिस अनुसार काबू किए गए दोवें नौजवान बीते दिनी कतल होए रणजीत सिंह राणा के ग्रुप नाल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बीते समय दौरान लुट खोहां दीयां वारदातों नूं भी अंजाम दिता सी। कुछ दिन पहला श्री मुक्तसर साहब मलोट रोड से पैंदे पिंड औलख विखे गड्डी च सवार कतल किए गए रणजीत सिंह उर्फ राणा के साथियों नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अनुसार मृतक राणा नाल संगरूर विखे एक लुट खोह की घटना नूं अंजाम देण वाले दो व्यक्तियों को थाना सदर पुलिस ने चोरी की गड्डी पिस्तौल ते कुछ रौंदा समेत काबू किया है, जिन्हों तो पुलिस वालों पूछगिछ की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दिंदिया जिला पुलिस मुखी डी सुडरविली ने दसिया कि कोटकपुरा रोड से स्थित पिंड उदयकरण के मोड़ के नज़दीक उन्हां वालों नाका लगाया गया सी। इसे दौरान शहर वालों आ रही एक काले रंग की बलेनो गड्डी नूं जद रोकण दा इशारा दिता गया तो गड्डी ने रोकण दी बजाए गड्डी भजा ली, जिन्हां नूं पुलिस ने रोक लिया। तो जदों गड्डी दे कागजात दिखाउण लई कहा गया तो गड्डी च सवार दोवें व्यक्ति कोई कागजात ना दिखा सके, जिस तों बाद गड्डी विच सवार नौजवानां कोलों तलाशी दौरान देसी पिस्टल 315 पोर दा दो जिंदा कारतूस अते गड्डी बरामद कीती है, जिन्हां नूं पुलिस ने मौके ते काबू कर लिया। पुलिस ने दस्या कि दोषियों खिलाफ मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक इंटरस्टेट गैंगस्टर का अरेस्ट करने में हमारा मुक्तसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कल 29 तारीख को अपना CAA स्टाफ वालों इधर मुदयकरण मोड़ में जो नाका लगा के बैड कैरेक्टर्स को जो ये चेकिंग कर रहे थे, उस समय दो बंदे एक बलौना गाड़ी में आए थे। उनके पास उन चेक करने से कोई कागज़ तो उनसे मिला नहीं। सो वेन उनको गाड़ी का इन्होंने तलाशी ली थी, वहाँ से गाड़ी के अंदर से एक 315 बोर्डा इनको पिस्टल मिला है। फिर उसके बाद हमने अभी FIR अंडर आर्म्स एक्ट अंडर 411 IPC हमने रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला जो लास्ट वीक यहाँ पे मलोच एक मर्डर हुआ है रंजीत सिंह उर्फ राणा था, वो जो रंजीत सिंह उर्फ राणा है वो इनका गैंग का मास्टरमाइंड था। इनका जो गैंग है कोई लोगों को डरा धमका के उनसे एक्सट्रैक्शन मनी वगैरह ये कलेक्ट करते थे। ये जो बलेनो गाड़ी है ये भी इन्होंने पिछले 13 अक्टूबर में संगरूर में किसी बंदा से इधर एक्सट्रैक्ट करके उससे 2 लाख रुपया भी इन्होंने खोया और ये गाड़ी भी इन्होंने खोए थे। इनके गैंग में और दो बंदे हैं, उनका वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको भी जल्दी पकड़ लेंगे। इस मामले में हमने जो कल बंदे राउंडअप किए से उनसे 315 बोर्डी जो वेपन है वो भी हमने बरामद किया और बलेना गाड़ी भी हमने बरामद किया जो इन्होंने स्नैच किया हुआ है। इसके अलावा जो राणा ने उस दिन वारदात में यूज़ किया है इसका स्विफ्ट गाड़ी और इसका 32 बोर्डा पिस्तल, ये भी हमने इस मुकदमा विच हमने रिकवरी में लेके आए हुए हैं। अभी इस केस में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाकी जो इनका गैंग मेंबर है उनको भी हम सर्च कर रहे हैं। कितने मेंबर है टोटल जिहड़े गैंग दे? इन्हां दे दसन दे मुताबिक अभी राणा दे अलावा 4 होर मेंबर दा हमें पता चला, जो बाकी दो बंदों को भी हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और उससे और भी इनका कोई होर साथियां है और कोई होर डिस्ट्रिक्ट का भी कोई साथियां है वो भी हमें पता चल जाएगा। इसी एंगल में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी, क्योंकि बेसिकली इनका ग्रुप का यही मोटिव था कि किसी से डरा धमका के पैसा लेना है जो एक्सट्रैक्शन टाइप का है। सो इस रंजिश में भी इनका ग्रुप में ही आपस से कोई पैसे दे लेके टसल आया है या किसका ये किसने ये करवाया है, ये भी इस एंगल में भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन मैम एक जब राणा का मर्डर हुआ था तो ग्रुप फेसबुक पे एक पोस्ट डाली गई थी, उसमें भी कोई आप इंक्वायरी कर रही है? हाँ जी, वो हमारा मैं पहले दिन ही पोस्ट फेसबुक में पोस्ट आई थी कि किसी बंदे ने जिम्मेवारी लेके, उसमें भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन कल जब इनको हमने अरेस्ट किया ये दूसरा एंगल के बारे में हमें कल पता चला। सो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है हर एंगल में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी उस केस को भी हम जल्दी से जल्दी हम ट्रेस कर लेंगे। मैम
नहीं जी, उसमें कोई इनका लिंक अभी तक नहीं सामने आया। इन्हों के उत्ते अभी तक कोई हमारे हूं तक जो हमने पूछगिछ किया है कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जो बाकी दो बंदे हैं उनको अरेस्ट करके पता चलेगा इनका और कोई मामला कहीं पे दर्ज है या नहीं। प्राइमो दे ले श्री मुक्तसर साहब तो सोनू खेड़ा दी रिपोर्ट।